हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये पार्ट नंबर 2 होगा। टॉपिक है हमारा जलियांवाला बाग मासकियर और आपका रॉयट एक्ट। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम देख चुके थे कि किस प्रकार से इंडिया में रॉयट एक्ट लाया गया और उसके बाद आज आगे करते हैं इस टॉपिक को। तो गांधी जी जो थे उन्होंने रॉयट एक्ट जब आ गया इंडिया में तो गांधी जी ने आह्वान किया सबसे कि पूरे इंडिया में राष्ट्रव्यापी हड़तालें करो, ठीक है, स्ट्राइक करो, मजदूर क्या करें, अपने काम पे जाना बंद करें, ठीक है, और जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल कॉलेज का बहिष्कार करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं एक मास मूवमेंट ने गांधी जी को सपोर्ट करना शुरू करा। और मेन रूप से हम इसको देखते हैं कि नॉर्दर्न इंडिया में भी और वहाँ पर भी पंजाब में, पंजाब प्रोविंस उस टाइम पर बहुत बड़ा था, पूरा पाकिस्तान तक फैला हुआ था पंजाब, तो लाहौर में और आपके किस में दिल्ली में पंजाब में छिटपुट हिंसाएं भी होने लगी। तो अंग्रेज़ों ने उस टाइम पे क्या करना शुरू कर दिया, लाठीचार्ज जगह जगह करना शुरू कर दिया, ठीक है, दमनात्मक तरह से वो गिरफ्तार करने लग गए जो हमारे क्रांतिकारी थे। तो इसी सिलसिले में हम देखते हैं फिर उसके बाद गांधी जी को जेल में भेज दिया गया पकड़ करके, ठीक है। 8 अप्रैल 1919 की बात होती है। गांधी जी को कहाँ भेज दिया गया, जेल में भेज दिया गया और उनको कहा गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि आप पंजाब में एंट्री नहीं करोगे और उनको मुंबई भेज दिया गया था। तो फिर उसके बाद लोग और भी गुस्सा हो गए। अब साथ में हम देखते हैं चूंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ब्लैक कानून लेके आ चुके थे वो रॉयट एक्ट, तो उन्होंने क्या करा, इसी सिलसिले में उन्होंने डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू जो कि क्रांतिकारी थे, इनको उन्होंने गिरफ्तार कर दिया बिना किसी क्राइम के और उनको जेल में डाल दिया, ठीक है। ये भी 9 अप्रैल की बात है 1919 की। गांधी जी को 8 अप्रैल को पकड़ा गया था, 8 अप्रैल को उनको जेल में डाल दिया गया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 10 अप्रैल को शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जगह जगह और ख़ास करके पंजाब में और उत्तरी भारत में हो रहा था। और पंजाब में 10 अप्रैल को जो मार्च निकाला गया शांतिपूर्वक मार्च, उसमें अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज कराया और 2-3 लोगों की, हमारे जो भारत की तरफ से जो लोग थे उन लोगों की मृत्यु हुई। तो इससे हिंसा ने क्या करा, हिंसा ने जन्म लिया और छिटपुट हिंसाएं भी होने लगी उसके बाद। तो उसके बाद हम इसी सिलसिले में आगे देखते हैं कि अमृतसर में, अब जो अमृतसर शहर है वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। जिस प्रकार से आधुनिक भारत में, कंटेम्प्रेरी इंडिया में हम देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जब भी कहीं हिंसा होती है या देखने को मिलते हैं, हमें दंगे देखने को मिलते हैं, या हम कहते हैं कि फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करती है, धारा 133 लगा देती है ना, उसमें 4 लोगों से ज़्यादा एक सामने खड़े नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से मार्शल लॉ भी एक प्रकार का कानून था, उसमें भी उसमें क्या, मार्शल लॉ अमृतसर में लगा दिया गया था। और उसके बाद जो उस टाइम पर जो लीड कर रहे थे अमृतसर को, वहाँ पे वो थे जनरल आर डायर। और लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे बड़े सेनापति थे, जो सबसे बड़े इसके चीफ थे, वो माइकल ओ डायर थे, ठीक है, जनरल डायर छोटे थे। तो 12 अप्रैल को जनरल डायर ने गिरफ्तारियां कराई, 12 अप्रैल की बात होती है। जनरल डायर ने हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों को पकड़ कर क्या करा, उन्होंने जेल में डालना शुरू कर दिया। और अब 13 अप्रैल को हमारे वहाँ पे जलियांवाला बाग जो जगह है ये है अमृतसर में, अमृतसर पंजाब का एक सिटी है और वहीं पे जलियांवाला बाग पड़ता है। और जलियांवाला बाग मासकियर जिसको हत्याकांड के रूप में जाना जाता है, ये 13 अप्रैल को होता है। 13 अप्रैल को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारे भारत के लोग वहाँ पर बैसाखी का फेस्टिवल मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे, जिसमें यंग भी थे, चिल्ड्रन भी थे एंड ओल्ड पीपल भी थे, ठीक है, फीमेल भी थी और मेल भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। तो उन पर जनरल डायर ने उन लोगों को 3 मिनट का समय दिया और कहा कि आप लोग इसको छोड़ दीजिए। जो जलियांवाला बाग है, कहा जाता है कि वो 3 तरफों से मकानों से घिरा हुआ था और एक तरफ से उसकी क्या थी, उसका जो एग्जिट पॉइंट है या एंट्री पॉइंट है वो एक तरफ से था, ठीक है, और उसके अंदर कुएं भी था, वेल भी था। और कहा जाता है कि उसकी क्षमता जो है वो 20,000 के करीबन थी। और उस दिन बैसाखी का फेस्टिवल था। चूँकि बैसाखी एक पर्व है उत्तरी भारत में, बड़े धूमधाम से मनाया जाता है जब हमारी फसल
तैयार हो जाती है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, और कुछ लोग इसलिए भी इकट्ठे हुए थे कि वो शांतिपूर्ण तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट से कह रहे थे कि आप लोगों ने जिन क्रांतिकारियों को पकड़ा है उनको छोड़ दिया जाए। तो हम शांतिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जनरल डायर ने 3 मिनट का समय दिया, और उसके बाद उसने अंधाधुंध फायरिंग चला दी हमारे ऊपर मशीन गन के द्वारा, ठीक है, मशीन गन से या जो भी गन उनके पास थी। तो उन्होंने उसके बाद, कहा जाता है कि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है कि लगभग 400 लोग घायल हुए, और 200-300 लोग इसमें क्या हुए, इन लोगों की मृत्यु हुई, 380 लोग मारे गए और 1200 के करीबन लोग घायल हुए। ये डाटा किसका है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है, लेकिन भारतीयों का अनुमान है कि 4000 से ज़्यादा लोग क्या हुए थे इसमें, घायल हुए थे, और कितने कैजुअल्टी 4000 थी, और इसमें काफ़ी सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग भी मारे गए थे, ठीक है। तो ये हमारे इंडियंस का कहना था। पूरे भारत में इसके खिलाफ इसके बाद क्या हुआ था, आम जनमानस ब्रिटिश गवर्नमेंट से, ब्रिटिश क्रूरता से, उनकी दमनात्मक पॉलिसी से, ठीक है, जिस प्रकार से उनका रवैया था हमारे हम लोगों के लिए, उससे बहुत ही ज़्यादा हम क्या थे, अनसेटिस्फाई थे, अनहैप्पी थे। तो एक निराशा का माहौल और क्रांति का माहौल देश में बन चुका था, ठीक है। उसके बाद अंग्रेज़ों ने दमनात्मक, दमन करने की, हम लोगों को सजा देने के नए नए तरीके और भी निकाले, और क्रांतिकारियों को पकड़कर जेल में डालना और भी तरीके से आगे शुरू करा। अब आगे देखते हैं कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन पे दबाव डाला गया कि जो ये जो इंसिडेंट था उसको वर्ल्ड मीडिया ने भी जगह जगह दिखाया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट की क्या हुई, पूरे वर्ल्ड में उनका क्रिटिसाइज हुआ, उनकी आलोचना हुई कि इस तरह से ये जो इंसिडेंट हुआ है ये बहुत गलत बात है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाव में आकर एक कमेटी उसकी जांच करने के लिए कि कौन दोषी है, नाम मात्र के लिए इस कमेटी को बनाया, और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे हंटर, तो इसको हंटर कमीशन कहा जाता है, ठीक है। चूँकि इसके हंटर इसको क्या था, लीड कर रहे थे, वो इसके अध्यक्ष थे, और इसमें 8 सदस्य थे जिनमें 3 भारतीय थे, याद रखना टोटल 8 सदस्य थे, और इन 3 में भारतीय 3 थे, चिमन लाल सीतलवाड 1, दूसरे थे सुल्तान अहमद, और तीसरे थे जगत नारायण। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, आई रिपीट, चिमन लाल सीतलवाड, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। तो इसको हंटर कमीशन, इसके बाकी 5 अंग्रेज इसमें और थे। अब कहा जाता है कि कुल मिला के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इसको लीपापोती करी इसमें, है ना, कोई कंक्लूजन नहीं लिया, या उन्होंने इसको एज बहुत ही एज ग्रांटेड नहीं लिया, ठीक है, बहुत लाइटली इन्होंने इसको लिया इस चीज़ को, ठीक है। तो जो मेन कल्प्रिट थे इसकी इस घटना के वो थे माइकल ओ डायर, जो कि पंजाब के लेफ्टिनेंट थे उस टाइम पे, ठीक है, जो कि पंजाब के पूरे लेफ्टिनेंट थे उस टाइम पे। कौन, माइकल ओ डायर, याद रखना आपको नाम। तो एक घटना बताता हूँ मैं आपको, हमारे इंडिया में एक से क्रांतिकारी हुए भारतीय इतिहास में, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है, और न जाने कौन कौन से एक से क्रांति के, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक छोटे से क्रांतिकारी, ठीक है, जिनको भारतीय इतिहास में न जाने क्यों दबा दिया गया, उनका नाम है ऊधम सिंह, ठीक है, ऊधम सिंह। तो वो इस घटना को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, बहुत छोटे थे उस टाइम पे। तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं माइकल ओ डायर को, जो रियल कल्प्रिट है इस घटना का, ना कि जनरल डायर तो एक कठपुतली है, जिस प्रकार से आज हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, जब कहीं पे वायलेंस होता है या कोई घटना होती है तो पुलिस को जैसे कहा जाता ना कि आपको लाठी बजानी लोगों में, क्या करना, लाठी चार्ज करना, पुलिस वैसे करती है। तो जनरल डायर ने भी वो करा, लेकिन जिसने, जो मेन कल्प्रिट है, जिसने ऑर्डर दिया है, माइकल ओ डायर, तो उसने कहा कि मैं इसको प्रण लेता हूँ कि मेरा जीवन अब तभी सफल होगा जब मैं माइकल ओ डायर को मारूंगा, चाहे वो लंदन चले जाए, चाहे वो ब्रिटिश कहीं भी चले जाए, चाहे वो कहीं भी हो। और माइकल ओ डायर, जो कि बहुत सुरक्षा होती थी उनके, सिक्योरिटी तो जो बड़े बड़े होते हैं उनके पास सिक्योरिटी होती है। तो 1940 में, देखो घटना कब की, 1919 की, और 21 साल तक सोचो मन में उनके, किसके, ऊधम सिंह के मन में था कि मुझे उसको मारना है अपने भारत के, ना उनका बदला लेना है, ठीक है, अपने देश का बदला लेना है। तो 1940 में कहते हैं लंदन जाके ऊधम सिंह ने किसको, माइकल ओ डायर को मारा था, ठीक है। इसमें तो एक से एक क्रांतिकारी हमारे भारत के इतिहास में रहे हैं, तो सलाम ऐसे क्रांतिकारियों को। आगे देखते हैं,
जनरल डायर को ब्रिटेन में ब्रिटिश साम्राज्य का सिर या रक्षक कहा गया। कहेंगे वो क्योंकि उन्हीं का तो ऑफिसर हो, तो उसको क्या कहा, ब्रिटिश गवर्नमेंट में तालियां बजाएगी उसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ठीक है, उसको ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा गया। तो अब भारतीयों ने एक कमेटी बनाई, अब भारतीयों ने भी क्या कही गए, एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी। किसने, जो इंडियंस थे। अब इसमें कौन कौन से थे, महात्मा गांधी थे, मोतीलाल नेहरू थे इस कमेटी में, और हमारे और जो मेंबर थे अब्बास तैयब जी, चित्रंजन दास, ठीक है, और पुपुल जैकर। तो इतने सारे मेंबर, इन्होंने तहकीकात कमेटी बनाई और इन लोगों ने इसमें जनरल डायर को दोषी करार दिया। जो भारतीयों ने कमेटी बनाई थी किसकी, जांच पड़ताल करने के लिए, जलियांवाला बाग मास्केर की जांच पड़ताल करने के लिए, ठीक है। तो जनरल डायर को इन्होंने दोषी माना और कहा कि जो लोग मारे गए इस इंसिडेंट में या जिनके साथ कैजुअल्टीज हुई है, उन लोगों को इकोनॉमिकली सपोर्ट किया जाए, उनकी आर्थिक सहायता दी जाए। ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने ये कहा, ठीक है। तो होप्सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने इसमें देखा कि किस प्रकार से सबसे पहले कौन सा कानून आता है, आपका रोलेट एक्ट आता है, ठीक है। रोलेट एक्ट में फिर क्या क्या उसके क्या था, रोलेट एक्ट, नो दलील, नो अपील, नो वकील, ठीक है, ब्लैक लॉ, इसको गांधी जी ने कहा। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी अपने गांधी जी ने। इसके अलावा वायसराय परिषद से भी एक सदस्य थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जलियांवाला बाग किस प्रकार से 1919 में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन होता है, और बाद में उधम सिंह इसको, जो इसके मेन कल्प्रिट होते हैं, उसको जाके, उनको लंदन में जाके क्या करते हैं, ठोक के आते हैं 1914 में। फिर देखते हैं कि हंटर कमीशन बैठता है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए, और एक तहकीकात कमेटी बैठती है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।